हेलो ऑल गाइस, कैसे हो आप सब? गुड मॉर्निंग ऑल। उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे। और आज काफ़ी अच्छा दिन है मेरा, क्योंकि मैंने काफ़ी दिनों के बाद इतना प्यारा सा नींद में सोया था और मुझे तो आज मज़ा आ गया। और आज मेरा हॉलीडे है, सो आज की मॉर्निंग मेरी कैसी है मैं आप सबको दिखाता हूँ। और हम एक दिन में क्या क्या करते हैं, क्योंकि बेस्ट लाइफ है हमारी, सब कुछ अपने से करना रहता है हमें। हम बेस्ट लाइफ के बारे में आपको बताएंगे कि बेस्ट लाइफ होती कैसी है और हमें मॉर्निंग को कैसे सेलिब्रेट करते हैं। हम पहले तो आपको बाहर का नज़ारा दिखाते हैं कि गुड मॉर्निंग केरला की कैसी होती है। ये रहा हमारा बाहर का नज़ारा और ये रहे आसमान। काफ़ी स्पेशल लगता है मुझे यहाँ पे, और बहुत ही ठंडी मॉर्निंग की ठंडी बहुत ज़्यादा होती है। मतलब नॉर्मल टेम्परेचर रहता है, बट यहाँ ठंडी नहीं होती, यहाँ काफ़ी ज़्यादा गर्मी है। अभी तक तो मुझे नहीं लगा ठंडी। सो ये हमारा मकान है जहाँ पे बनाना है एंड कोकोनट कुछ ट्री हैं। और ये रहा हमारा रूम जहाँ मैं रहता हूँ, हमारी बेस्ट लाइफ, जॉब करता हूँ और जॉब के साथ सारे वर्क। तो हम आपको दिखाते हैं कि हम बेस्ट लाइफ में कैसे रहते हैं। मेरा रूम और यहाँ हम रहते हैं वो है मेरा कमरा, जो काफ़ी भी गंदा पड़ा हुआ है। अभी मैंने कुछ किया नहीं है, सब कुछ ऐसे ही पड़े हैं। इधर ये इधर घड़ी है, मेरे ड्रेस हैं एंड मेरा बेड, सब कुछ ऐसे ही। और ये उधर मेरा बाथरूम है एंड ये वॉशिंग एंड ये किचन रूम जहाँ हम कुकिंग करते हैं। ये है हमारी बैचलर लाइफ दोस्तों। और एक ये सेकंड रूम है जिसमें मेरा एक फ्रेंड रहता है, मेरा एक ब्रो, वो अभी ड्यूटी के लिए गया है। आज मेरा हॉलीडे तो मैं रूम में ही मस्ती कर रहा हूँ। और अभी तो मैंने एक ब्लैक टी बना रखी है और वो मैं पीता हूँ मॉर्निंग में, अदरक वाली, क्योंकि वो गले के लिए काफ़ी अच्छा होता है और बहुत फ़ायदेमंद होते हैं, उससे नुकसान नहीं होता। और यहाँ पे सामने फिश सेल हो रहा है, उधर काफ़ी लेडीज़ खड़ी हैं और उधर फिश आया हुआ है, आप देख सकते हो। और हम ऐसे जीते हैं अपने बैचलर लाइफ में, घरों से बहुत दूर। मैंने गाइज, मैं अब जस्ट फ्री हो चुका हूँ और मैंने अपने पूरे रूम को फुल क्लीन कर दिया है और अपने सारे कपड़े वॉश कर चुका मैंने। तो अब मुझे ज़ोर सी भूख लगी है, तो हमने सोचा कि मैं क्या करूँ। तो मेरा मन में आया कि चलो यार, मैं कुछ नहीं तो एक मैगी बना देता हूँ। और जिसके लिए मैंने फाइनली मैगी को डिसाइड किया। और अब जस्ट टमाटर वगैरह, प्याज टमाटर मैंने सब रख लिया है, अब इसे कट करेंगे और फाइनली मैगी को रेडी करते हैं। तो देखते हैं आज का हमारा मैगी कैसा बनता है। तो फाइनली मिलते हैं मैगी को रेडी करने के, करते हैं मैगी टेस्ट करते हैं और देखते हैं कि मैं हमारी मैगी कैसे बनती है। तो ट्राई करते हैं, हमारी बैचलर लाइफ है, हमें तो कोई बना के देगा नहीं। खुद ही बनाना है, खुद ही खाना है और खुद ही इंजॉय करना है। तो आपको लेके चलते हैं अपने मैगी को टेस्ट कराने, कि हम दिखाते हैं कि कैसे हम बनाते हैं और कैसा बनता है हमारा मैगी। ओके, तो मिलते हैं मैगी को फुल रेडी करने के। मेरा मसाला सारा रेडी हो चुका है, तो अब मुझे बस मैगी बनाना है। और मैगी बनाते ही मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारा मैगी कैसे बना। तो मिलते हैं जस्ट मैगी को फाइनल करने के। मेरा मैगी बन चुका है और ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये है हमारा मैगी। आप बताओ कैसा है, कैसा बना। ये हमारी बैचलर लाइफ है और हम जैसे मन वैसे ही वाली भूख लगी है, तो देर नहीं करते हैं, फटाफट चलते हैं और मैगी को टेस्ट करते हैं कि हमारा मैगी जस्ट कैसा बना। तो सबसे पहले का ऐसी आपका और फिर उसके बाद सुपर टेस्ट है, मज़ा आ गया, इतना बेहतरीन मैगी। आज का मेरा डे बहुत ही स्पेशल रहा और तो मैं पूरा फिनिश करने के बाद मिलता हूँ ये आपसे। शाम के 6 बज चुके हैं और मैं जस्ट अभी सो के ही उठा और चाय लेकर छत पे आया, ताकि मैं ठंडे ठंडे भी आ ले सकूं और आपको मैं दिखा सकूं कि शाम को 6:30 बजे का नज़ारा हमारे यहाँ कैसा रहता है। आप ये नज़ारा देख सकते हो, चारों साइड से काफ़ी खूबसूरत नज़ारा है। और
फाइनली हमारा लास्ट का डिनर बचा है नाइट। फाइनली गाइज हम नाइट के डिनर के लिए आ चुके हैं और हमारा नाइट का डिनर तैयार हो रहा है। इधर रोटी एंड ये हमारी सूखी सब्जी, इसको मैंने काट रखा है, और बाकी मटेरियल्स ये आप देख सकते हो। सो मिलते हैं नाइट फाइनली डिनर कंप्लीट करने के बाद और दिखाते हैं कि हमने कैसे बनाया। हमारा डिनर कंप्लीट हुआ और मैं जस्ट डिनर बना कर बैठा हूँ, आप देख सकते हो ये हमारा डिनर है। और आप बताओ कि कैसा बना। ये हमारी बैचलर लाइफ, जो हम साथ में रहते हैं, हम दो ही पर्सन रहते हैं और जस्ट हम डिनर करने जा रहे हैं, तो मिलते हैं फाइनली डिनर करने के बाद। आज का डे हमारा फुल कंप्लीट हुआ गाइज, और जस्ट मैं अभी नाइट डिनर कंप्लीट करके बाहर टहलने निकला। सो अपनी राय जरूर बताइएगा हमारे कमेंट बॉक्स में, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारा न्यू ब्लॉग नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके, और लाइक करना ना भूलें।